मैं बोल दे रही हूँ, 83.39, 95.606, 105.8172, 105, मतलब 105.8172, 114.655, 122.238. और इसका पीवी 8.4%। ये मैंने भी नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे पहले डीएफ लिखना होगा 8.4% का, फिर इनटू करके पीवी आएगा। अच्छा, इसको डायरेक्टली करो, इतना हम लोग के पास टाइम नहीं होगा इतने बड़े बड़े सम में। तो देखो हम एक स्टेप लिख के रखे हैं, पहला अगर करना है तो हम लोग एनसीएफ डिवाइडेड बाय 1.084 करेंगे, तो कितना आएगा एनसीएफ, कितना है 83.39 डिवाइडेड बाय 1.084, तो हम लोग का आया 76.93। तो यहाँ डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। फिर ये वाला करेंगे 95.606 डिवाइड 1.084। अब ये दूसरे साल का है तो दो बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, 1 2, तो आएगा 81.36। फिर हम लोग का 105.8172 डिवाइड 1.084, 1 2 3, तो आ जाएगा 83.07। उसके बाद है 1.14, तो 114.655 डिवाइड 1.084, 1 2 3 4, तो 83.03। फिर है 122.238 डिवाइड 1.084, 1 2 3 4 5, तो 81.67। हम लोग को स्क्रैप वैल्यू, ये हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू है जो नेट कैश फ्लो हम लोग को मिलेगा उससे। अब यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू इतना तो हम लोग को 5 साल में मिलेगा, और स्क्रैप वैल्यू भी है 100 लाख का, जिसमें हम लोग लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, इसलिए ये एक्चुअली टैक्स बेनिफिट है। जो लॉस होगा हम लोग को बेच रहे हैं, तो अगर लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स बच रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट क्या है हम लोगों का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट क्या था डेप्रिसिएशन देने के बाद, हम लोग ये सब चीज 75, हाँ 118.65, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस था। तो 118.65 माइनस ये हम लोग का स्क्रैप वैल्यू है 100 लाख, मतलब हम लोग का बैलेंस बचेगा इतना, पर हम लोग उसको बेचेंगे 100 लाख में, तो हम लोग को लॉस होगा क्योंकि असेट का वैल्यू है इतना और बेच रहे हैं इतने में, तो इसमें हम लोग को 30% का टैक्स बच जाएगा। कितना होगा बता दी, 18.65 इंटू 30%, ये 5.595 आएगा, तो ऐड करके कितना हो जाएगा 105.9। इसको कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, अब टर्मिनल वैल्यू कितना है, 105.595 इंटू 5 साल का 8.4 को हम लोगों को करना है, तो ये कितना आएगा, 5 साल का अगर 5 साल प्लस करके पूरे 8 पॉइंट, इसको 1.084 डिवाइड 1 2 3 4 5 और जीटी, तो ये आ जाएगा 3.95। एक सेकेंड, फिफ्थ ईयर का ये कितना है, 1.084 डिवाइड 1 2 3 4 5
इंटू 105.595। हाँ, इसको सिर्फ फिफ्थ ईयर से करेंगे, ये फिफ्थ ईयर का टर्मिनल वैल्यू है ना, ये सब जो भी हो रहा है तो फिफ्थ ईयर के एंड में हो रहा है ना। स्क्रैप वैल्यू भी हम लोग का फिफ्थ ईयर में आएगा, लॉस पे भी हम लोग को टैक्स बेनिफिट सिर्फ फिफ्थ ईयर में ही मिल रहा है, तो ये जो टर्मिनल वैल्यू होता है ये सिर्फ फिफ्थ ईयर में आने वाला हम लोग का इनफ्लो है। ठीक है, तो इसको सिर्फ फिफ्थ ईयर का मतलब 1.084 डिवाइड 1.084 डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 0.6681 से इंटू करेंगे, इंटू 105.595, तो हम लोग 70.55 लिखेंगे। अब हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, अब हम लोग निकाल लेंगे एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो इनफ्लो हम लोगों का कितना आ रहा है? अच्छा, इनफ्लो हम लोग का कितना है देखो, अच्छा आउटफ्लो हम लोग को टोटल आउटफ्लो चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, देखो इसको प्लस करो पहले, 76.93 प्लस 81.36 406.06। ठीक है, देखो हम समझा रहे हैं, यहाँ हम लोग एक्चुअली किए क्या थे, ये वाले में हम लोग एक्चुअली किए थे कि हम लोग का अल्टीमेटली आउटफ्लो कितना है। रियल में हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं 138.38, पर हम लोग का 18 लाख बच जा रहा है और 37.5 बच जा रहा है, तो हम लोग का कितना आउटफ्लो रियल में हो रहा है। तो ये जो हम लोग निकाले हैं ये हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ही निकाले थे। ठीक है, कि अल्टीमेटली हम लोग के पॉकेट से कितना जा रहा है, देखने को तो हम लोग हर इंस्टॉलमेंट में 138.89 दे रहे हैं, पर इतना और इतना बच जा रहा है, तो पॉकेट से रियल में इतना ही जा रहा है, तो ये हम लोग का था आउटफ्लो। और ये वाला जो हम लोगों का था, इतना हम लोग के पास आ रहा है क्योंकि लास्ट में फिफ्थ ईयर में इतना हम लोग के पास आ जा रहा है। ठीक है, और ये हम लोग क्या किए थे, ये भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ही था, उसी का कंटिन्यूएशन था। कैसे? यहाँ पे हम लोग जो रखे थे, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाले थे, यहाँ हम लोग सिर्फ आउटफ्लो निकाले थे, इसको सिर्फ नाम दो आउटफ्लो, यहाँ हम लोग सिर्फ आउटफ्लो निकाले थे, पर आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग नेक्स्ट पेज में निकाले हैं। आउटफ्लो कितना है? इतना इसका प्रेजेंट वैल्यू था 8.4 को वो करके सेट ऑफ करके एडजस्ट करके, तो इतना हम लोग का आया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। और ये हम लोगों का आया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो अगर एक तरफ से हम लोगों का इतना रुपया जाता है और एक तरफ से इतना रुपया आ जाता है, तो अल्टीमेटली हम लोग के पास से इतना रुपया ही जाता है। अब आराम से कंपेयर करो कि वो बाई करेगा या लीज में लेगा। अगर वो लीज में लेता है तो उसके पॉकेट से 33.18 समथिंग जाता है, अगर इसको हम पॉइंट में लिखें तो 33.18 आएगा, और यहाँ पे जा रहा है 331.884। ठीक है, यहाँ पे उसका जा रहा है 331 और यहाँ पे उसका जा रहा है 335, तो वो डेफिनेटली लीज पे लेगा। तो लेसर को लीज में देने में नुकसान हो रहा है, पर लेसी को ये लेने में आराम हो रहा है, तो वो इसमें कमेंट क्या करेगा कि इस तरीके में वो लीज में जाना चाहेगा। तो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज लेस इन केस ऑफ लीजिंग, सो ही विल ऑप्ट फॉर leasing, there hence leasing option
इज प्रेफरेबल. देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि हम वो लीज में लेगा या बाई करेगा. लीज वाला बिल्कुल नॉर्मल करना, हम लोग को रेंट कितना देना पड़ेगा 120 लाख. अगर हम लोग रेंट देंगे जो भी खर्चा होगा हमेशा उसमें टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट कर लेना. तो अगर हम लोग इस पे ये दे देते हैं तो हम लोग का इतना टैक्स बच जाएगा. तो 120 लाख पे 30% टैक्स बच जाएगा, टैक्स सेविंग होगा, इसलिए 36 लाख बच जाएगा. तो अल्टीमेटली हम लोग के पॉकेट से जाएगा कितना, 84 लाख. अब जब भी लोन रेट सम में दिया हुआ नहीं रहता है, लोन रेट हम लोग को निकालना पड़ता है. तो कैसे निकालेंगे, डीएफ इसमें लोन दिया हुआ है 12%, उस पर हम लोग का टैक्स बच जाएगा 3.6 उसके इंटरेस्ट पे. तो हम लोग का डीएफ कैसे आएगा, लीजिंग के वक्त डीएफ कैसे आएगा, 8.4%. ठीक है, तो ये हम लोग वहां से निकाल के रखे हैं. अब बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना होगा, तो ये तो हम लोगों को 5 साल तक देना है, तो इसपे पूरा 5 ईयर का हम लोग प्लस करके 1.084 को पूरा प्लस करके 5 ईयर में हम लोग इसका किए तो इतना आया. ठीक है, अब ये हम लोग रख दिए, इतना हम लोग का आउटफ्लो है रियल में. अगर हम लोग लीज में लेते हैं तो, अगर हम लोग बाई ऑप्शन में जाते हैं तो हम लोगों को लोन लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है क्योंकि सम बोल रहा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. तो हम लोग को टोटल कितना बाई करना है, तो पूरा 500 लाख अभी देना होगा. एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है पता नहीं, पर 12% यहाँ पे हम लोग लोन का ही रेट लेंगे, जो लोन रेट क्लियरली सम में दिया हुआ था 12% पीछे दिया हुआ था, तो वो हम लोगों का 12% है 5 साल के लिए. तो ये इक्वेट करके निकाल लिए, 12% को 5 ईयर्स तक प्लस करेंगे तो 3.60 आएगा. इसको इधर भेजे तो एनुअल इंस्टॉलमेंट हम लोग का आ गया, हर साल हम लोग 138.89 एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे. अब एक सिंपल बात है, ऊपर लिख दिया है कि जो भी हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ रहेगा. तो इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का पहला काम है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग करके दिखाना कि हम लोग कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं. तो हम लोग को 500 लाख देना था, उसमें 12% इंटरेस्ट है मतलब 60 लाख. तो हर साल इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे थे, 138.89, उसमें से अगर इंटरेस्ट हटा दे तो इतना रुपए हम लोग प्रिंसिपल दे रहे हैं, फिर इतना बच जाएगा. ऐसा हम लोग 5 साल तक किए, एंड में हम लोग के पास कुछ नहीं बचा. ये सिर्फ लोन पेमेंट का हम लोग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि लोन रियल में प्रिंसिपल अमाउंट पे करते कितना है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एसेट में. एसेट का उसके पास 500 बैलेंस था, वो 25% करके WDV में डेप्रिसिएशन दे रहा है, तो इतना क्लोजिंग बच रहा है. फिर ऐसे करते करते उसका एंड में मशीन 5 साल के बाद कितना वैल्यू का बचेगा, इतना. ये उसका वैल्यू ऑफ मशीन बचेगा, वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 5th ईयर. तो पहले हम लोग क्या काम किए हैं, इसमें हम लोग काम किए हैं वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है, कितना प्रिंसिपल दे रहा है, इसका हिसाब किए हैं. इसमें हम लोग हिसाब किए हैं कि जब वो 5 साल के बाद मशीन बेचेगा तब उस मशीन का वैल्यू होगा कितना, तो वो हम लोग ऐसे किए हैं. यहाँ हम लोग आए तो हम लोग देख रहे हैं कि उसका रियल में आउटफ्लो अब हो कितना रहा है. सिर्फ वो जो लोन दे रहा है 138.89 चुका रहा है वो हर साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, पर यहाँ उसका टैक्स सेविंग भी हो रहा है क्योंकि वो लोन ले रहा है, तो इंटरेस्ट के ऊपर उसका टैक्स सेविंग हो रहा है, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी उसका टैक्स सेविंग हो रहा है. तो भले दिख रहा है कि वो हर साल लोन रीपेमेंट कर रहा है 138, पर इतना उसका बच भी रहा है. तो रियल में उसके पॉकेट से कितना जा रहा है, 83.39. रियल में उसके पॉकेट से सिर्फ इतना रुपया ही जा रहा है, पर ये जो रुपया है ये आज का प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है, ये हम पूरा एक साथ निकाल लिए. इसका अब हमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू हम ऐसे निकालें. ये हम लोग का आउटफ्लो आ गया. अब 5 साल के बाद हम लोग के पास कितना रुपया आने वाला है, स्क्रैप वैल्यू का 100 लाख आएगा, और हम लोग जो एसेट बेच रहे हैं उसके ऊपर हम लोग को लॉस हो रहा है तो उसका भी टैक्स बचेगा. अब कैसे पता हम लोग एसेट बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, जब हम लोग एसेट बेच रहे हैं 5th ईयर के बाद, तो 5th ईयर के बाद एसेट का वैल्यू है 118 और बेच रहे हैं 100 में, तो हम लोग को लॉस ही होगा.
ज्यादा वैल्यू का सामान को सस्ते में बेच रहे हैं, तो जितना लॉस हो रहा है उसके ऊपर टैक्स बच जा रहा है, तो इतना टैक्स बच रहा है, तो टोटल इतना रुपया आ भी रहा है। टर्मिनल वैल्यू कहते हैं इसको, जो फिफ्थ ईयर के एंड में जितना रुपया आता है उसको टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। तो इसका भी अब मेरे को फिफ्थ ईयर का ही प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं 8.4% का फिफ्थ ईयर में जाकर इतना है तो इंटू करके इतना मेरा इनफ्लो आया। अब अगर मेरा आउटफ्लो इतना है, इनफ्लो इतना है, तो अल्टीमेटली आउटफ्लो कितना है? 335.51। अब ये टॉपिक है ब्रेक इवन लीज रेंटल। ब्रेक इवन लीज रेंटल का मतलब क्या है? यहाँ पे है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैंक लोन अमाउंट। यहाँ पे लीज का जो रेंटल है और बैंक से, अगर ये हम लोग कब डिसाइड, अभी लास्ट समय हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि लीज में सामान ले या खरीद ले, यही हम लोग का प्रॉब्लम था कि लीज में ले या खरीद ले। खरीदेंगे तो बैंक लोन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब बात ये आता है ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, जहां पे सब कुछ इक्वल हो जाता है उसको ब्रेक इवन कहते हैं। तो लीज रेंटल और बैंक लोन दोनों जहां पर इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट है, रेंट का ब्रेक इवन पॉइंट है। तो हम लोग को मतलब कितना होगा लीज रेंटल कि वो बैंक लोन के बराबर हो जाएगा। मतलब सोचो, बैंक में लोन मांग रहे, बैंक से हमको लोन लेना पड़ रहा है 100 लाख का, और प्रेजेंट वैल्यू ये सब छोड़ो, नॉर्मली सोचो बैंक लोन हम ले रहे हैं 100 लाख का, तो हमको रीपेमेंट करना पड़ रहा है 100 लाख। एक बार इंटरेस्ट ये सब छोड़ो, हम सिंपल चीज समझा रहे हैं। अगर हम बैंक से लेते हैं 100 रुपीज, तो हमको पे ऑफ भी करना पड़ेगा 100 रुपीज। लीज रेंटल मेरे से मांग रहा है अगर 120 रुपया, तो हम क्या चूज कर लेते हैं कि हम बैंक लोन लेकर घर खरीदेंगे, हम लीज पे नहीं लेंगे, हम ये डिसीजन दे देते हैं। पर हम ये बोलना चाहते हैं कि लीज रेंटल भी कितना होगा कि वो बैंक लोन के बराबर हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है? लीज रेंटल भी 100 होना चाहिए। पर वैसे मेरे पास बैंक लोन का अमाउंट अगर नहीं है तो हम ये कैसे निकालेंगे? तो हम लीज रेंटल को एक्स ले लेंगे। आफ्टर टैक्स लीज रेंटल, आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? हम लोग लीज से रेंट लेस किए थे, हम लोग जब लीज में डिसीजन ले रहे थे तो क्या किए थे? रेंट से टैक्स को लेस किए थे। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, लीज रेंट से टैक्स को लेस कर रहे हैं। तो 1 माइनस टी है, टी मेरा 30% ही है, तो ये रेंटल है, ये मेरा 1 माइनस टी है, तो मेरा क्या बचेगा? 0.7x। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल मेरा कितना हो जाएगा? जो मेरा आउटफ्लो जा रहा है, यहाँ पे हम क्या किए थे, ये मेरा जो अब 84 लाख आया था, हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे, तो वहां पे भी हम यही कर रहे हैं। मेरा जो रेंट आया था टैक्स हटाने के बाद, उससे उसका हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 8.5 ईयर, 5 ईयर तक, तो मेरा इतना आएगा। 8.4 को 5 साल तक करो, कितना आएगा? 8.084 डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5 और GT, इतना होगा 3.95 into 0.7, तो मेरा 2.765 होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, 2.765 x का x लिख दिए। तो ये अभी हम कितना कैलकुलेट किए, मेरे को लीज रेंटल अपना रखना है इतना। टू कैलकुलेट ब्रेक इवन लीज रेंटल हमको इक्वल टू करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन। तो मेरा लोन का अमाउंट कितना था देखो, मेरा लोन देकर कितना आ रहा था, मतलब ये 335.51 मेरा लोन लेकर कर रहे थे तो इतना आ रहा था, तो यहां पर हम इसी को इक्वल कर दिए। मेरा लोन अमाउंट अगर इतना है तो हमको, तो इसको डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, 2.765, तो मेरा कितना आ जाएगा लीज रेंटल? तो मेरे को लीज रेंटल रखना चाहिए इतना। अगर हम इतना लाख लीज रेंटल रखते हैं तब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब लोन अमाउंट अगर इतना है प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इतना होना चाहिए। ये 72 में बोल रहा है, एग्जाम्पल में, अ फर्म नीड एन एसेट फॉर विच इट इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग टू ऑप्शन।
हम लोग एक फर्म है और हम लोगों को एक एसेट का जरूरत है. हम लोग के पास दो ऑप्शन है, परचेजिंग द एसेट फॉर रुपीज 1 लाख, बोरोइंग द अमाउंट एट द रेट 12% इंटरेस्ट. हम लोग या तो 1 लाख रुपया बोरो कर ले 12% इंटरेस्ट में और फिर उसको हम लोग जाके रीपेइंग द सेम टुगेदर विथ इंटरेस्ट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करके हम लोग एसेट को खरीद ही लेते हैं. और दूसरा है एक्वायरिंग द एसेट ऑन लीज विथ अ पेमेंट ऑफ एनुअल लीज रेंटल ऑफ 30,000 पर एनम फॉर 4 इयर्स, या तो 30,000 करके हर साल हम लोग 4 साल तक दें और हम लोग लीज में ले लें. द फर्म फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. अगर वो खुद खरीदेगा तो उसको डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है एंड इनकम टैक्स रेट है 30%. विच इज अ बेटर ऑप्शन फॉर द फर्म, उसको लीज में लेना चाहिए या फिर उसको खरीदना चाहिए? तो इस तरीके के सम को अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को बनाना है लेसी के व्यू पॉइंट से. इतना हम लोग क्लियर है कि लेसर का डिसीजन नहीं है, ये लेसी का डिसीजन है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. इन द केस ऑफ लेसी, ये लेसी का केस है. ऑप्शन 1 लीज रेंटल, ऑप्शन 2 बाइंग. ठीक है, अगर वो लीज रेंटल लेता है तो 30,000 पर मंथ देगा फॉर 4 इयर्स, और अगर वो बाई करता है तो इंटरेस्ट है एट द रेट 12% पर एनम. ठीक है, तो इसमें सिंपली हम लोगों को बोल ये रहा है स्टार्टिंग में कि अगर हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो 22 लाख में पड़ेगा, अगर लीज में खरीदते हैं तो 5 लाख का पड़ेगा. ठीक है, तो पहले आराम आराम से देखो. उसके बाद हम लोग को बोल रहा है, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, बोल रहा है 5 लाख तो हम लोग को लीज रेंट देना ही पड़ेगा और हम लोगों के रेवेन्यू का 10% भी वो लेगा. उसके बाद बोल रहा है हम लोग को एक बॉक्स दिया है जिसमें 3 साल का रेवेन्यू दिया हुआ है जिसका 10% वो ले लेगा. नीचे वाले में बहुत सारा खर्चा दिया हुआ है पर बॉक्स देखो, ईयर एंड में हम लोग प्रिंसिपल इंटरेस्ट लास्ट सम में हम लोग खुद ब्रेक किए थे. लास्ट सम में हम लोग को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल खुद ब्रेक करना पड़ा था. इसमें ये लोग ये वाला पोर्शन करके दिया है हम लोग को, हम लोग को करना नहीं पड़ेगा. तो सीधे स्टार्ट कर सकते हैं. पहला ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है परचेज ऑफ कंप्यूटर. तो स्टार्ट करो, लिखो ऑल्टरनेटिव 1 परचेज ऑफ कंप्यूटर. अगर हम लोग खरीदते हैं तो क्या होगा, प्रिंसिपल हम लोग पहले देंगे 5 लाख, ये हम लोग को सम में ही दिया हुआ है. प्रिंसिपल है पहले साल 5 लाख, इंटरेस्ट है 3,52,000. प्रिंसिपल है 8,50,000 और इंटरेस्ट है 2,72,000. यहाँ पे प्रिंसिपल है 8,50,000, इंटरेस्ट है 1,36,000. तो टोटल हम लोग पे कितना कर रहे हैं एवरी ईयर, इतना. अब हम लोग का ये हम लोग का आउटफ्लो है जो हम लोग पे तो कर रहे हैं. अब आ जाता है कितना रुपया हम लोग का बच रहा है. हम लोग अगर परचेज करते हैं तो डेप्रिसिएशन हम लोग बियर करते हैं, तो अगर डेप्रिसिएशन होता है तो कितना होगा, तो हम लोग का 22 लाख का मशीन है और स्क्रैप वैल्यू था उसपे 10 लाख का, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. तो इस पेज को पूरा छोड़कर नेक्स्ट पेज में जाकर लिखो डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 22 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू है 10 लाख डिवाइडेड बाई 3 इयर्स. तो हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना आता है हर साल 4 लाख. ठीक है, अब अगर हम लोग का हर साल का डेप्रिसिएशन 4 लाख है तो हम लोग का टैक्स सेविंग कितना है 50%. टैक्स अगर 50% है तो हम लोग हर साल 2 लाख रुपया टैक्स बचा लेंगे, क्योंकि 4 लाख का डेप्रिसिएशन पे 2 लाख रुपया ऐसे हम लोग को टैक्स देना पड़ता जो हम लोग बचा ले रहे हैं. इंटरेस्ट भी जो हम लोग ऊपर दे रहे हैं खर्चे के ऊपर टैक्स बच जाता है, तो हम लोग का टोटल टैक्स सेविंग कितना है इतना. अब हम लोग का नेट कैश फ्लो मतलब अल्टीमेटली पैसा कितना जा रहा है, यहाँ जा रहा था लोन चुकाने से 8,52,000, पैसा बच जा रहा है 3,76,000. तो अल्टीमेटली हम लोग के पॉकेट से इतना रुपया ही जा रहा है.
तो ये है अल्टीमेटली हम लोग का नेट कैश आउटफ्लो, लिख लो इसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा कैश फ्लो है। तो इतना रुपया पता है ये आ गए अल्टीमेटली, थे ये सडनली आ गए थे तो फिर एक्चुअली अब ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू तो है नहीं, ये हम लोग का सिर्फ हम लोग ऐसे ही निकाले, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करना बहुत जरूरी है। सम में 8% DF दिया हुआ है, देखो जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें क्लियरली 8% भी दिया है, 16% भी दिया है, दोनों का दिया है, तो हम लोग फिर किसका लेंगे, 8% का कि 16% का। सम में क्लियरली दिया है 16% इंटरेस्ट टू फिनेंस है, मतलब 16% इंटरेस्ट दिया है, तो 8% का ही लेंगे, 8% DF है फिर, तो 8% DF का दे ही दिया है बुक में, हम लोग सिर्फ इंटू कर लिए जैसे कर लेते हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकल गया। उसके बाद टोटल कैश आउटफ्लो कितना है, तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कैश आउटफ्लो आ जाएगा, उससे लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कितना था 10 लाख, 10 लाख का सिर्फ थर्ड ईयर वाला हम लोग लेंगे और ये करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगा। तो अगर हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोगों का इतना आउटफ्लो होगा।